नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल डेट होने वाली है फोर्थ ऑफ अक्टूबर और दिन रहेगा आपका ट्यूसडे का यानी मंगलवार का। बात करें सबसे पहले आज की, आज हमारे लिए कोई अच्छा खासा दिन नहीं रहा भाई। और हमने जो ना एसएल हिट हुआ, जो हम मैं स्क्रीन पर रीड कर पा रहा था कि मार्केट में शायद तेजी हमको देखने को मिले, वो हमको तेजी भी नहीं देखने को मिली। देखिए रीजन क्या था क्या नहीं था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 30 मिनट का चार्ट पे लगाता हूँ ताकि हम थोड़ा सा प्राइस भी रीड कर पाए और थोड़ी सी स्क्रीन भी रीड कर पाए। ये है दोस्तों पिछले 3-4 दिन का लेखा जोखा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें एक दिन है ये एक दिन है, ठीक है, ये पूरा एक दिन है, देन ये पूरा एक दिन है और ये आज का एक दिन है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं। एक तरीके से निफ्टी रेंज बाउंड चल रहा है, ऊपर जिसका हद है जिसकी 17,200 के आसपास, नीचे की हद इसकी आज 16,900 कह सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से बाउंस बैक कर गया था, ये लाइन अगर खींचे, ठीक है। तो आज ये मूव इस पूरे 3-4 दिन में, इस पूरे 3-4 दिन में एक ही मूव ऐसा है, ये वाला जो इम्पल्सिव है। बाकी सब रेंज बाउंड टाइप के मूव है। आपको पिछले लास्ट फोर डेज में डायरेक्शनल वाइज एक ही दिन ट्रेड का मिला है बहुत अच्छा, जो ये फ्राइडे वाला दिन था। फिर हल्का सा मार्केट नीचे की तरफ जाके 17,100 के आसपास जाके क्लोज हुआ, ठीक है। इसके बाद से एक आज का दिन है जो नीचे की तरफ मिला है। तो यहाँ पे मुझे ये करेक्टिव पार्ट लग रहा था और स्क्रीन भी मेरी यही बोल रही थी कि मार्केट ये करेक्शन दे रहा है बट जाना ऊपर चाहिए उसको। हालांकि हम उसको प्रेडिक्ट करने में फेल हुए, मार्केट आया नीचे की तरफ। और भाई मैं भी इंसान हूं, यहां पे जब ये लो टूटा तो मेरी आज की रीडिंग खराब हो गई थी 16,940। जब ये लो टूटा तो इट मीन्स आई वॉज रॉन्ग, बट स्क्रीन जो बोल रही थी वो यही बोल रही थी कि मार्केट में तेजी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए एक बार एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उसके बाद देखते हैं। ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़िए, इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो देखना एक क्राइम है, जो कि आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको जरूर पढ़ लेना है, फिर मेरी वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिये मार्केट में क्लोजिंग तो अच्छी नहीं आई है। क्लोजिंग अगर देखें तो यहाँ पे जिसमें ईएमएस के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, करें इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी खासी एक कैंडल बनी थी आपकी फ्राइडे को यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका 50% ऑलरेडी नीचे की तरफ क्लोज कर दिया इसने। बैंक निफ्टी में भी, ये बैंक निफ्टी कहाँ से खुल गया, निफ्टी खुल गई, ये रहा निफ्टी, या करें नीचे की तरफ इसने क्लोज कर दिया है। तो क्लोजिंग तो बहुत खराब है। और एक तरीके से कहते हैं कि एसटीपीटी भी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। दो चीजें थी जिसकी वजह से मैंने कल के लिए व्यू नहीं दिया। पहला, सबसे पहला जो मेन है, डाउ एंड नेस्डेक बोथ आर ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, ठीक है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। यहां से ओवरनाइट सेल साइड की तरफ कैरी करना ठीक नहीं। दूसरा, मुझे आज की कैंडल के लिए कि मार्केट में आज सेलिंग ही हुई है और फॉलो अप सेलिंग ही आएगी, एक कंफर्मेशन कैंडल और चाहिए। मुझे बहुत डाउट आ रहा था आज के लिए, ठीक है। तो ये दो रीजन की वजह से मैंने कल के लिए ट्रेड नहीं बोला। अदरवाइज कैंडल इज वीक, नो डाउट, टेक्निकली खराब दिख रहा है मार्केट और मार्केट टेक्निकली नीचे ही खुलना चाहिए इस कैंडल के बाद। बट कभी कभी जब मन में संशय हो, डाउट हो, तो अवॉइड कर देना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज, ये है बिल्कुल, इसमें ठीक नहीं लगा मेरे को कि हमें कुछ दिखना। अब यहाँ पे देखिए कल तेजी कब करनी है, तेजी तब करनी है जब ये जो रेजिस्टेंस है
जहां पे आज बहुत देर तक ये टिका रहा, ठीक है, 16960 से लेके 16950 ये ऊपर की तरफ काट देता है, 16960 इसके ऊपर अगर चलता है तो आप ऐसे लगाइए 16900 का आप बाय करिए, आपका टारगेट है 17050, ठीक है, और इसके बाद 17050 कटा तो हम डेफिनेटली फिर 17200 के जोन की तरफ जा रहे। तो तेजी का ट्रेड 16960 के ऊपर ही बनता है, यहां से 16900 का एसएल लगा लीजिएगा कल के लिए, ठीक है, कल के लिए। और इन केस नीचे की तरफ के लिए अब हमें चार्ट को जो है छोटा करके देखना पड़ेगा। या जी ये जो लो जो आज का लो बना है आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इसने सपोर्ट वहीं से लिया है, ठीक है, इसने सपोर्ट जो है उसी के आसपास से लिया है। आज का जो लो है उसको पकड़ लीजिए, आज का लो है भैया मेरे ख्याल में कितना, नहीं नहीं आज का लो है 850 के आसपास गया था ना मार्केट, 16860 इसके नीचे आपको सेल का बटन दबाना है और एसएल 16900 ही रहेगा। तो ये हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान रहेगा, बस सिंपल है, ठीक है। एसएल मैं बीच में लिख देता हूं, एसएल दोनों तरफ से 16900 है, बाई करेंगे हम 16900 के ऊपर से, सेल कर 16960 सेल करेंगे हम 16860, बस ये बिलो रहेगा ये अबव रहे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मैं वीडियो को विराम देता हूं, बैंक निफ्टी को मैं शाम को करूंगा, अभी फिलहाल मैं निकलता हूं, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।